जो चीज आपके साथ बेवफाई कर सकती है उसका अगर 10% भी चांस है, मोहब्बत कैसे करोगे? मसला हम कहते नहीं यार, बस मान लो वादा है, तो भाई वादा टूट जाता है। लोगों ने अल्लाह से वादे तोड़ दिए, मैं तो फिर भी इंसान हूँ। कितने केसेस हैं जब ये पॉसिबिलिटीज माइंड के अंदर आती हैं, परसेप्शन पे हिट लगती है, तो बच्चे कहते हैं मैं कंफ्यूज हो गया हूँ जिंदगी के अंदर, मैं डिप्रेशन के अंदर जा रहा हूँ, एंग्जाइटी हो रही है कि अगर ये हो गया तो क्या होगा। आपने आर्टिफिशियली दिल को बोला हुआ है कि सामने वाला परफेक्ट है, बेऐब है, ना इसमें कोई कमी है, ना उसमें कोई इम्परफेक्शन है, ना उसमें नक्स है, जमाल की इंतहा है, कमाल की इंतहा है, तो क्यों जब अपनी वालदा को बताते हो तो कहती ये? क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है लव इज ब्लाइंड। तो हम बोलेंगे परसेप्शन गलत है, इमोशंस, जज्बात। अब आप बोलें भाई दिल पैदा क्यों कर रहा है जज्बात अगर परसेप्शन गलत है? क्योंकि दिल मासूम है। जब आप म्यूजिकल लिरिक्स सुने नहीं बल्कि आपको पता होगा जो माजी के अंदर आपने सुनी होगी, ऐसा नहीं हो अदील भाई ने बोला म्यूजिक सुनो जाके, उन लिरिक्स के अंदर ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो वाकई तौर पर आप मानते नहीं है, लेकिन आप फ्लो के अंदर जो है वो आपके परसेप्शन के अंदर जा रही होती है। कौन बेऐब हो सकता है इस दुनिया के अंदर? ये सारे आशिक माशूक के अंदर माशूक हमेशा बेऐब होता है, हमेशा के लिए होता है। कोई बंदा अगर ये कह दे कि जी मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, ये तो हो ही नहीं सकता। उसके साथ भी शैतान है भाई, और एजिंग फैक्टर भी है, कितने डाउट्स आ सकते हैं, माशरे में कितनी बेवफाइयों के केसेस हैं, तो कैसे गारंटी रहेगी भाई नहीं छोड़ेगा या मुझसे पहले नहीं मरेगा? मरेंगे साथ, मरेंगे जियेंगे साथ। तो अब क्या है, अब होप भी बिल्ड हो गई, मोहब्बत भी बिल्ड हो गई, अब हम साथ साथ हैं। नो, आपने आर्टिफिशियली दिल को बोला हुआ है कि सामने वाला परफेक्ट है, बेऐब है, ना इसमें कोई कमी है, ना उसमें कोई इम्परफेक्शन है, ना उसमें नक्स है, जमाल की इंतहा है, कमाल की इंतहा है, तो क्यों जब अपनी वालदा को बताते हो तो कहती ये? दोस्त को पता चलता है कहता ये कह मजनू की आंख से देखो तो लैला नजर आएगी ना, मजनू की आंख से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है लव इज ब्लाइंड। लेकिन क्यों लव इज ब्लाइंड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप बोले परसेप्शन इज ब्लाइंड, इट्स नॉट जस्टिफाइड। जो चीज आपके साथ बेवफाई कर सकती है उसका अगर 10% भी चांस है, मोहब्बत कैसे करोगे? मसला हम कहते नहीं यार, बस मान लो वादा है, तो भाई वादा टूट जाता है। लोगों ने अल्लाह से वादे तोड़ दिए, मैं तो फिर भी इंसान हूं, ता हयात चलेगा ये नहीं। कितने केसेस हैं जब ये पॉसिबिलिटीज माइंड के अंदर आती हैं, परसेप्शन पे हिट लगती है, तो बच्चे कहते हैं मैं कंफ्यूज हो गया हूँ जिंदगी के अंदर, मैं डिप्रेशन के अंदर जा रहा हूँ, एंग्जाइटी हो रही है कि अगर ये हो गया तो क्या होगा। तो जरा सा रिश्तों के अंदर जरा सा मसला आता है, एंग्जाइटी का मसला फौरन आता है, क्योंकि परसेप्शन को आदत है 100% की।